नमस्ते भारत, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से आज हूँ राजस्थान में। मेरा सौभाग्य है नए मित्र जुड़ रहे हैं मेरी कड़ी में, किसान पाठशाला में बलराम किसान के साथ। तो पहले परिचय करते हैं। भैया मैं कहाँ पर हूँ? नमस्कार, प्रणाम। खमागणी, जी हमारे यहाँ पर भैरव जी को बहुत मानते हैं, इसलिए जय भैरव जी। जय भैरव जी। मेरा नाम इक्ष्वाकु देव देवड़ा है जी और मैं यहाँ का उप सरपंच हूँ, बड़गांव का। जालौर ओके डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है और मेरे वाइफ करिश्मा सिंह रघुवंशी हैं जो सरपंच हैं इस गांव की। जी और हमारा, जब हमने इलेक्शन भी लड़ा था, तो हमारा एक ही एक सोच थी। जी बड़गांव जो है वो पहले जालौर का, जी सॉरी मारवाड़ का कश्मीर कहलाता हाँ, ये सुना है मैंने था, भी कहलाता रास्ते में। था हाँ बिल्कुल। तो हमारी यही सोच है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो, जी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडीज हो, ताकि जी इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाए। ओके और ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स, इतना ग्रीन और इतने माउंटेन्स और वाइल्ड लाइफ भी पहले यहाँ बहुत हुआ ऑक्सीजन करती बढ़ेगा थी, ही और मैं चाहता हूँ कि वो वापस वाइल्ड लाइफ यहाँ पर आए। अभी भी जैसे काफ़ी जी सारे इंडेंजर स्पीशीज जैसे कि फॉक्स है, चकॉल्स हैं, वो भी ओके अपने इस पहाड़ों में हैं। अच्छा और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर भी एक जगह है, वहाँ पे भी काफ़ी भालू और जी ऐसी वाइल्ड जी लाइफ है। तो हम चाह रहे हैं कि इस एरिया को इतना डेवलप करें कि यहाँ पर एरिया में ऑक्सीजन बढ़े। ओके जैसे काफ़ी प्लांट्स हैं जैसे कि पीपल हो गया, बैनियन हो गया, बैम्बू हो गए। बम्बू तो ऑफ कोर्स बैम्बू बीइंग कैटेगरी इन द ग्रास कैटेगरी आती है, और ये जल्दी ग्रो भी होते हैं और इससे काफ़ी प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। तो जी हम ये भी चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया भी अपने गांव में ऐसा कोई डेवलप करें जहां पे इसके प्रोडक्ट्स बना सकें, लोगों को रोजगार मिले, और ओके इसी के प्रोडक्ट से हम आगे नेशनल लेवल पे या कहीं पे भी इसका प्रमोशन करें, जिससे गांव में जी जी एक लोगों को आमदनी मिल सके और यहाँ पर एक स्टेबल बराबर जिंदगी, इको फ्रेंडली, जहाँ पे हम प्लास्टिक्स यूज ना करें और ऐसी चीजें चाहते हैं हम जी करें, जो हमारे लोगों के लिए और हमारे गांव के लिए काफी अच्छा रहेगा। भैया, ये मैंने आपके साथ अभी कुछ समय बिताया है और जो आपके मुखबिंदु से सुनने को मिल रहा है, बहुत कम 1,000 में से एक व्यक्ति शायद ऐसी सोच रखता होगा जो सरपंच है या गांव की अगुवाई कर रहे हैं या जो क्षेत्र की अगुवाई कर रहे हैं, जो आपने सोच प्रकट करी है और मुझ जैसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद किया है एज ए हिल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम पर। तो मैं पूरे समाज और सबकी तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप अच्छी एक गांव की शुरुआत जहाँ रहते हैं वहाँ से अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे को बीच में बात करते करते याद आया था, मैं खुद जाट फैमिली से हूँ और मेरी गोत्र है खाचरा और हम पूर्वज हमारे रहने वाले हैं जयपुर के पास खाचरावास करके एक गांव है, बिल्कुल वहां से हमने पलायन किया था। ये जी बहुत दुखद घटना थी उस समय की, हमारे दादी स्टोरी सुनाया करती थी, जी पानी कम, रोजगार कम होना, ये कुछ कारण रहते थे। तो हमारे पूर्वज गए फिर यहाँ से उठ करके नर्मदा जी के तट पर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, जी वहां पर बड़वानी जिला है, अभी मैं उसके पास में 8 किलोमीटर पर नर्मदा जी के तट पर हूं। तो अच्छा मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, आपने जैसे मुझे यहाँ इनवाइट किया और ये जो आपके साथ समय बिताया और चर्चा सुनी, तो शायद राजस्थान में अगर हर ग्राम पंचायत ऐसी शुरुआत छोटी सी सोचकर कर दे, अगुवाई कर दे, एक छोटा सा कदम है जो आपने महसूस किया और उठाना चालू किया है, तो शायद राजस्थान जैसा पहले था हरा भरा वैसा वापस हो जाएगा। राजस्थान नाम आता है तो एक कहीं कुछ टच होता है कि ये खालीपन है और पानी कम है और रेगिस्तान है और यहाँ पर गर्म हवाएं ज्यादा है और यहाँ जाना केवल गर्मी में तो संभव नहीं है, ऐसा कुछ फील होता है। और कुछ मैंने नाम अभी आपके मुंह से नए सुने थे, राजस्थान का अर्थ वो थोड़ा मुझे समझना जी था। एक्चुअली काफ़ी जगह पर राजस्थान का मिसइंटरप्रिटेशन किया जाता है। जी मीनिंग कैसे, क्या उसको बोला जाता है, मतलब पहले राजस्थान का नाम था राजपुताना, यस और राजपुताना मतलब, रज मतलब मिट्टी, सैंड, मिट्टी सन ऑफ यस सॉयल, सन ऑफ अच्छा सॉयल। यस यस लेटर इट वॉज कन्वर्टेड टू राजस्थान, अगेन रज का मतलब मिट्टी, मिट्टी लैंड ऑफ सॉयल। जी नाउ
क्योंकि ये राजस्थान है, आप सबको पता है कि राजस्थान में ग्रीन बेल्ट एरिया भी है और डेजर्टेड एरिया भी है, जी तो हम चाहेंगे कि राजस्थान ऐसी जगह बने जो राजस्थान है उसके आगे ग्रीन जुड़ जाए, ग्रीन जुड़ जाए, तो ग्रीन राजस्थान। ग्रीन तो मैं राजस्थान चाहूंगा बहुत कि बढ़िया। राजस्थान में ये एक नारा इतना फेमस हो जाए कि हर व्यक्ति के, जी हर गांव के लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि हमें जो जी ये राजस्थान है वापस से ग्रीन बनाना ग्रीन है। राजस्थान और बनाना है। मैं निवेदन करूंगा हमारे वन मंत्री हैं या जी राजस्थान सरकार है जो इसके लिए काफी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे योजनाएं लाएं जहां जी पे लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं जो ओके आगे बढ़ के सरकार के साथ सहयोग करके जी इस सपने को या इस सोच को आगे जी बढ़ाएं और अगेन राजस्थान को ग्रीन बनाए। ग्रीन राजस्थान वाला बहुत जी, अच्छी सोच और है। खास करके मैं अगर मेरे बड़गांव का हूं तो मैं तो ये जरूर चाहूंगा कि वापस मारवाड़ का कश्मीर बने। शुरुआत यहां से हुआ, शुरुआत यहां से हुई। भैया आपने पहल करी है, जी तो किसान पाठशाला परिवार भी जो पूरे भारत में 3.5 लाख से ज़्यादा फार्मर हैं, हम परिवार के साथ में बी किसान ग्रुप और मेरी जितनी सारी चैनल व्यवस्था है, हम इसी काम को बढ़ावा दे रहे हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री, हिल फॉरेस्ट्री, ग्रीन फॉरेस्ट्री में हमने अभी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी भी लॉन्च किया है, बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। उसका जी पूरा मतलब है बनो किसान, और किसान के ही उत्पाद को आगे रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो इसमें जी हम कुछ 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। पहली लाइन है हमारी कार्बन क्रेडिट पर काम करना। दूसरी लाइन है हमारी कि जितनी खाली ज़मीनें हैं जो अभी न पब्लिक के यूज़ में है न गवर्नमेंट के यूज़ में है, और वहाँ पर हरियाली कम हो रही है नहीं है, उसको वापस ग्रीन करना, यही हमारा भी उद्देश्य है। जी और लगभग आप भी यही सोच रख रहे हैं, तो बिल्कुल साथ में ज्वाइंट वेंचर में आगे अच्छा बढ़ेंगे। और मेरा सौभाग्य है कि आपने बुलाया मुझे यहाँ पर, और जी, इसमें हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, आगे जरूर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक जो यू थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दिया है। मुझे जी। यहाँ इनवाइट करने वाले थे एक मित्र, में उनका भी पब्लिक से परिचय करा दूं। नमस्ते भैया, नमस्कार आपका नमस्कार, परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, जी मैं यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगा हुआ हूँ। जी और मैं रहने वाला हूँ चूरू से, जो कि ओके पूरा सूखा इलाका है, कोई नदी नहीं है। हाँ हमारे से ये थोड़ा हरा भरा है, लेकिन हरा भरा भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी जमीन ऐसे ही पड़ी है यहाँ, फॉरेस्ट की भी पड़ी है और पंचायत की भी कुछ कुछ जमीनें पड़ी हैं। तो मैंने जैसे ही मतलब मैं मन में था कि मैं कुछ कर रहे हैं, मैं नौकरी लग गया, मुझे गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो कुछ अच्छा करे हैं। हाँ तो फिर मैं मेरे जो मित्र हैं एक भीनमाल से, उनसे भी संपर्क हुआ, फिर कंवर साह ने मेरे को इनवाइट किया कि आप, मैं ये पहल कर रहा हूं और आप मेरे साथ आइए, शुरुआत कीजिए शुरुआत हरियाली कीजिए। कि की। हम, उन्होंने कहा कि आप और मैं शुरुआत नहीं करते, हम शुरुआत करते हम, हैं, ये बहुत अच्छा शब्द है, हम हम शुरुआत शुरुआत करते हैं, हम करते हैं। करते हैं अगुवाई, हाँ। और जो हो जितना भी अपन कर सकते हैं ग्रीनरी के शुरुआत कर दिया, लिए। बहुत बहुत तो फिर बढ़िया मैं आपसे मिला, फिर मैंने जी। आपको इनवाइट किया, आप हमारे पास आइए और यहाँ से ग्रीनरी के साथ साथ कुछ आय सर्जित की जाए किसानों को, जो यहाँ के छोटे रोजगार रोजगार जनरेट जनरेट हो। किए जाएं। सबसे ओके पहला काम है पान, ग्रीनरी के साथ साथ रोजगार। रोजगार रोजगार रुकेगा तो यहाँ से विस्थापन, जैसे आपने बताया कि आप विस्थापित हो, आप गए वहां नदी के किनारे हाँ, बसे, मेरे जैसे कई लोग हैं भैया, कई लोग। हजारों लोग हैं जो राजस्थान को छोड़ के गए हैं बाहर, मतलब एक मैं हूँ ऐसा नहीं है, हजारों लोग हैं। तो आप जो शुरुआत कर रहे हैं ना, जैसे मेरे हार्ट को टच हुआ है, ऐसे कई मित्रों के हार्ट को टच होगा, और इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खासकर भैया को भी तहे दिल से एक्स्ट्रा धन्यवाद दूंगा, एक बोनस वाला, क्योंकि फॉरेस्ट्री लाइन में, गवर्नमेंट जॉब में, जो उनके दायरे हैं वहीं तक केवल कार्य सीमित हो जाता है और आगे सोचते नहीं है। जो आपने पहल अच्छी करी है, एक अपने सिस्टम से हटकर थोड़ा सा आगे, वाकई में जिस जगह पर हो वहां की जरूरत क्या है उसको करने के लिए। तो थैंक्स आपको, और मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।